तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का बीटा वर्जन जो अभी अभी जल्द ही अवेलेबल हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस दोस्तों सिर्फ इन्हें ही खेलने का मौका मिलेगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से लोग इस गेम को खेल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लॉन्चिंग से पहले साउथ कोरियन कंपनी क्राफ्टन ने अपने सपोर्ट पेज पर एक अपडेट जारी करते हुए इस गेम को खेलने की शर्तों के बारे में बताया था। दोस्तों बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम खेलने के लिए प्लेयर्स को दोस्तों कुछ शर्तों को मानना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल डीके बॉल अपने जीवन पर पहले बने तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोगों को बताता हूँ पबजी के बारे में। तो दोस्तों देश में पबजी के इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इसके फैंस को गेम के लॉन्चिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों माना जा रहा है कि गेम की लॉन्चिंग करीब ही है दोस्तों, हो भी चुका है। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये गेम भारत में डाउनलोडिंग के लिए करवा दिया गया है। हालांकि अभी फिलहाल इसे सिर्फ बीटा वर्जन की टेस्टिंग के लिए ही अवेलेबल करवाया गया है। तो दोस्तों यानी कि सीमित संख्या में ही यूजर्स को इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बीटा वर्जन के बाद इसके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद भी है। तो दोस्तों जल्द ही चंद यूजर्स को मिला है मौका गेम खेलने का। दोस्तों बीटा वर्जन में चुनिंदा यूजर्स को ही बीटा टेस्टिंग का अवसर मिलता है। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के अनुसार बीटा वर्जन यूजर्स की संख्या पूरी हो चुकी है दोस्तों, जिसके बाद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बीटा टेस्टिंग रिक्वेस्ट को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब अब ये गेम आम लोगों के लिए नहीं है। जी हाँ, आम लोगों के लिए उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि लॉगिन से लोग दोस्तों लॉग इन के लिए प्लेयर सिर्फ 10 बार OTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने पर दोस्तों 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट बैन हो जाएगी। प्लेयर एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 10 अकाउंट पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों और भी कुछ ऐसे बातें जो मैं आप लोगों को बता दूँ, गेम खेलने के लिए ही होंगी कुछ शर्तें दोस्तों। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को OTP के जरिए ही लॉग इन किया जा सकता है। प्लेयर्स वेरीफाई कोड को 3 बार डाल सकेंगे, इसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए अगर आप पबजी खेलते हैं तो। तो दोस्तों एक वेरिफिकेशन कोड सिर्फ 5 मिनट तक ही वैलिड रहेगा, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का बीटा वर्जन जो आप लोगों को नहीं पता था। अगर जानते थे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी इसके कुछ जानकारियाँ जो मुझे पता चली थी और मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे कुछ रोमांटिक वीडियो के साथ, कुछ नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बने रहे डीके बॉल अपनी जुबानी के साथ।